नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ अहम खबरों पर। बिहार के गया के वजीरगंज में आशीर्वाद फाइनेंस गोल्ड लोन शाखा वजीरगंज में दिन दहाड़े चार अपराधियों द्वारा हथियार के बल पर 2 किलो सोने का जेवर और 3,36,000 रुपए नगद की लूट की घटना सामने आई है। इस मामले में अभी तक पुलिस को किसी प्रकार की सफलता हाथ नहीं लगी है। घटना तो हो ही गया, लेकिन ऐसी घटना बजरगंज के लिए पहली घटना है और इस प्रकार की घटना से पूरे बजरगंज वासी तो बिल्कुल ही परेशान हैं। और क्या मैं बताऊं? और आप इस बिल्डिंग के ओनर हैं, इसके बारे में सुरक्षा के बारे में क्या कहना है और क्या होना चाहिए और जो रोबी हुआ कस्टमर के बारे में क्या कहना है? सुरक्षा के मामले में बैंक का इंतज़ाम कुछ कमज़ोर था सुरक्षा के दृष्टिकोण से, और मैं बिल्डिंग ओनर हूं तो मैं तो बिल्डिंग ओनर हूं, लेकिन किस प्रकार के लोग आ रहे हैं जा रहे हैं मैं कितना अपनी नज़र रख सकता हूं। कस्टमर के रूप में कुछ लोग उचक के लोग आए, उसकी पहचान नहीं हो पाई कि कस्टमर हैं कि लुटेरा हैं। कस्टमर का गोल्ड जो गया है, सभी कस्टमर को हम लोग अभी बकायदे उनको इंट्रैक्ट एक लेटर देंगे, उस पोस्ट ऑफिस के मार्फत से उनके पास एक लेटर हम लोग भेज रहे हैं। वो लेटर में हम लोग दे रहे हैं कि उनका गोल्ड ये है, रॉबरी हो चुका है, तो उसके लिए हम लोग उनको इंटीमेशन करेंगे बकायदे उनके घर। फिलहाल आप लोगों का जो लोन लिया उसका इंटरेस्ट बंद कर दिया है आपने? हाँ, फिलहाल अभी उन लोगों का सारा इंटरेस्ट बंद है। हाँ। उन लोगों का अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया है। हाँ। सभी कस्टमर का अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया। अच्छा, जब उन लोग सेटलमेंट करेंगे तो शुरू होगा? हाँ, जिस दिन से हम सेटलमेंट करेंगे वो शुरू होगा। आपका परिचय? मेरा नाम सुमित मिश्रा है, मैं इस कंपनी का रीजनल मैनेजर हूँ। गया बिहार से केकेडी न्यूज संवाददाता दीपक कुमार की रिपोर्ट। छाबड़ा क्षेत्र में मध्य प्रदेश से लगा हुआ ग्राम सुंडा और ग्राम पंचायत पार्टी तहसील बमोरी जिला गुना बनाट आपको फिर जिला कलेक्टर जिला एसपी द्वारा छाबड़ा तहसील के ग्राम पंचायत भुआखेड़ी के राजकीय विद्यालय में रेस्क्यू ऑपरेशन चालू करके 50 से 60 आदमियों को निकाला गया, जिनको खाने पीने की व्यवस्था भी प्रशासन ने मुहैया कराई। राजस्थान से केकेडी न्यूज संवाददाता राजमल मीना की रिपोर्ट। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत निवाड़ी जिले की पृथ्वीपुर जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम मड़िया के निवासी चंद्रभान विश्वकर्मा से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत किया। इसके साथ ही उन्होंने अन्न उत्सव का शुभारंभ भी किया। प्रधानमंत्री अन्न उत्सव कार्यक्रम में निवाड़ी विधायक अनिल जैन, अखिलेश अयाची, कलेक्टर आशीष भार्गव सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं हितग्राही उपस्थित रहे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने हितग्राही चंद्रभान विश्वकर्मा से बातचीत की और उनके कामकाज के बारे में भी पूछा। निवाड़ी से केकेडी न्यूज संवाददाता मनोज निराला की रिपोर्ट। बांदा में प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को डीएम आनंद कुमार ने सम्मानित किया। बता दें कि कोरोना काल में कवरेज करने के दौरान सभी मीडिया कर्मियों को सम्मानित किया गया, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष गिरीश चंद्र कुशवाहा, प्रदेश उपाध्यक्ष केएस दुबे सहित जिला अध्यक्ष नंद किशोर शिवहरे मौजूद रहे, जिस दौरान केकेडी न्यूज चैनल के रिपोर्टर पूरन राय को भी डीएम ने सम्मानित किया। इस मौके पर सैकड़ों प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक पत्रकार मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के अवसर पर यहाँ उपस्थित आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गिरीश चंद्र कुशवाहा जी, जिला अध्यक्ष जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रदेश उपाध्यक्ष यहाँ कौरी और यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित पदाधिकारीगण और जनता द्वारा हमीरपुर महोबा और चिंतपुर से आए हुए सभी सम्मानित पत्रकारों। सबसे पहले तो मैं दुबे जी को धन्यवाद दूंगा कि मुझे उन्होंने यहाँ इस कार्यक्रम के आमंत्रित किया। मैं आप सभी का आभारी हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और इस कार्यक्रम में सहभागी बनाया। आप लोगों का जो कोरोना काल में जो रोल रहा है उसकी अगर हम
जितने भी शब्दों में प्रशंसा करें वो कम रहेगा। फ्रंट लाइन वर्कर में आप भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके, चाहे वो पहली लहर हो चाहे दूसरी लहर हो, हमारे साथ लगे रहें। और जहाँ एक वो हम लोगों की जो भी हमने कार्य किए इसको लेकर के, और जो भी हमारी जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज और कार्यक्रम थे जो उनका। बांदा से केकेडी न्यूज संवाददाता पूरन राय की रिपोर्ट। गोंडा में 48 घंटे पहले गुमशुदा हुए एक व्यक्ति का पुलिस ने FIR दर्ज करने में आनाकानी कर ली है, जहां पीड़ित पत्नी ने पुलिस पर रिपोर्ट न लिखने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि गायब व्यक्ति हिंदू युवा वाहिनी का पदाधिकारी भी है, लेकिन फिर भी हिंदू युवा वाहिनी चुप है। इस मामले पर थाना प्रभारी कौड़िया ने बताया कि मामला संज्ञान में है और इस मामले पर जांच पड़ताल चल रही है। वाहिनी एक प्रदेश की बहुत बड़ी संगठन है, जिसके मुखिया क्या मतलब पूरे संरक्षक उसके हैं योगी आदित्यनाथ जी, जो इसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और उन्हीं के संगठन का एक आदमी 48 घंटा पहले अपहरण हुआ है, अभी तो कोई पता नहीं लग पाया है। जबकि यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं, जो उनका नाम अभी पता लगा है, शारदाकांत पांडे है, और उनके भी और भी जो सदस्य हैं और भी पदाधिकारी हैं भरपूर मेहनत भी कर रहे हैं, इसके बावजूद भी पुलिस उनकी नहीं सुन रही है। अभी महिला ने बताया जिसका पति गायब हुआ है, उसने बताया कि मेरी ही तहरीर पलट करके लिखवा रहे हैं दरोगा। अब एक यस्सो इनकी तहरीर पलट के लिखवा रहा है, इनके खिलाफ कोई इनके मदद करने को नहीं तैयार हो रहा है, तो कितना बड़ा संगठन है, कितना बड़ा काम हो रहा है। मैं गोंडा जिला के कोचवा खंता काम कर रहा हूँ, यहाँ पे आज एक 48 घंटे के पहले कठोर हुआ है। इनका नाम है, क्या नाम भी इनका? संतोष। देखिए घर पर दिख रहा है, ये शायद वहाँ पे लिखा दिख रहा है हिंदू के ब्लॉक उपाध्यक्ष भी हैं, और ये गाड़ी भी खड़ी है। आप क्या हैं? उनके आप उनके लड़के हैं, और यहाँ की पुलिस, यहाँ का थाना लगता है कौड़िया, इतना सक्रिय है। आपका दुर्गा प्रसाद, कौन सा गांव है ये? संता कुचवा ग्राम सभा है। ये बताइए, संतोष सोनी का अपहरण हुआ है 48 घंटा पहले, तो पता लग रहा है कि वो आपसे पहले मिले थे आकर के यहाँ पे, जब घर से निकले खाना खाने के बाद तो आपसे मिले थे, क्या आप यहाँ आए थे? आए हमारे भैंस नहीं देखे, भैंस के हाल चाल था और बात। अच्छा, कितना देर आपके पास थे? ज़्यादा दो मिनट। अब ठाठे चल रही। अच्छा, फिर किधर निकले थे? इस तरफ निकले थे? यही इस तरफ निकले थे रोड के ना, उसके बाद में आपने नहीं देखा कहाँ गए? क्या नाम है आपका? हमारा नाम है राजेश प्रसाद। अच्छा राजेश प्रसाद, ये बताइए आप, हाँ, कि जो संतोष सोनी का अपहरण हुआ है 48 घंटा पहले, तो ये अपहरण होने से पहले आपके पास कुछ दिए थे? कितना देखे? हमारे यहाँ 2-4 मिनट रहे होंगे, घड़ी तो हम ले नहीं थे, लेकिन तो 3-4 मिनट। अच्छा, टाइम कितना था उसमें? टाइम 10 उसके लमसम में रहे होंगे, रात में 10 बजे के? हाँ, रात में 10 बजे के टाइम हम अंदर लेटा थे टीने के तरह, अपने हमारी वाइफ भी लेटी थी। घर आपको यही दिख रहा है? यही दिख रहा है, वही चारपाई पड़ी है, वही कुर्सी पड़ी, उसी चारपाई पर हम लेटे थे, उसी कुर्सी पर वो बैठे थे। तो ये सड़क पर से आवाज लगाए कि सो गए जो है बड़को, तो हम कहा नहीं, तो ये गए कुर्सी पर बैठे। फिर जो है इनके पीछे से इनकी वाइफ भी पहुंच गई, तो वो चारपाई पर बैठी, तब तक ये उठकर चल पड़े, कहीं चलो चलें, दोनों थका बहुत लगा है, तो वो आगे आगे वो चले, पीछे से वो बच्चों को लेकर के वो चली। तो ये सड़क के बच्चों को लेकर के इनकी पत्नी भी वहाँ पे आई थी क्या? ना, हाँ, बच्चे थे साथ में, बच्चे दोनों साथ में थे। फिर जब वो आगे पार कर गए, लेते हैं वो उस पार चल गए, इस पार हैं, जब जो है उस पार ये गई, तब इन्होंने हल्ला किया कि जो है वह कोई लाद ले गया। तो हम जब गए तो कोई गाड़ी कोई आदमी नहीं देखे, ये पीछे पीछे भाग गए। मतलब जब इन्होंने पास में इस समय, और इनसे पूछता हूँ कि घटना क्या है, क्या नाम है आपका? अनुराधा सोनी। अनुराधा सोनी, ये बताइए अनुराधा जी कि आपके पति का अपहरण हुआ है जी। सुनने में आया है कि 48 घंटा हो गया, हाँ। तो पता नहीं लगा है, तो क्या इसकी तहरीर आपने थाने पर दिया कि नहीं दिया? दिया गया, वहाँ मेरा सुनवाई कुछ नहीं हो रहा है, पुलिस आती है मुझे परेशान करती है। अच्छा, पुलिस आपको ही परेशान? हाँ, मुझे परेशान करती है, ये कहती है कि तुम्हारे जान में गए। अच्छा, वो मतलब पुलिस आप पे ब्लेम लगा रही है कि आपने अपने पति को खुद गायब किया? हाँ, खुद गायब किया। बताइए कि इससे पहले कोई मामला था क्या? कोई मामला नहीं था। नहीं, किसी के ऊपर आपको शक है? हमें शक है बहुत आदमी के ऊपर। किसके ऊपर? किसी का नाम बताएंगे आप? मालिक को। क्या नाम है मालिक का?
भवानी भीख। ये भवानी भीख कौन है? जिसका मकान छह मकान आपका किराया पर है? किराया। इसका क्या मामला है? इसका मामला ये है कि हम 6 लाख रुपए दिए थे, मतलब तो मकान खरीदने के लिए 9 लाख पर तय हुआ था। पैसा आपने किस माध्यम से दिया था, बाई कैश या बाई अकाउंट? कैसे पैसा? हाथ में दिए। कोई इसका गवाह मतलब है? गवाह मेरे पास थे। मैंने आपका क्या नाम है? अच्छा आप उनके क्या हैं? आप उनके पिताजी। आप रोइए मत, आप रोइए मत, परेशान ना होइए, आपका लड़का मिलेगा। ये बताइए कि ये घर में कब से आप रहते हैं? 4 साल हुए। 4 साल हुआ। आप रोइए मत, आपसे बताइए, लोग पूछ रहे हैं। 4 साल हुआ। 4 साल में इस जमीन को आपने खरीदने के लिए उनको 6 लाख रुपया दिया। कितने पर जमीन तय हुआ था? 2 लाख पर। 3 लाख बकाया था। तो जब 6 लाख रुपया आपने दिया तो कुछ लिखा पढ़ी करवाया था कि नहीं करवाया था? क्या करवाया था? काम वगैरह सब कुछ। चलो बताइए क्या हुआ था इससे पहले? मामला हुआ था चौकी पर। किस वेस को लेकर मामला हुआ था? किस बात में मामला हुआ था? रुपए की, घर के बारे में। अच्छा, घर का रुपया जो आपने 6 लाख दिया था, 9 लाख पर तय कर लो, पैसा और मांग रहे थे? वो ये हुआ था कि 6 लाख मैंने तय दिया था उन्हें और 9 लाख पर तय हुआ था। ये हुआ था कि जब बैनामा करेंगे तब 3 लाख रुपए हम लेंगे। तो मामला किस बात को लेकर हुआ था? घर के वजह से हुआ। घर के वजह से, जैसे आपका जब मामला तय हो गया था 9 लाख पर, 6 लाख आपने उनको दे दिया था, 3 वो कह रहे थे कि मैं रुपया नहीं लिए। अच्छा, इसका मतलब आप ये ब्लेम लगाना चाह रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि इससे पहले उनका मामला हुआ था तो वही आपने पति को देने किए? कितने पुसी ने किए? हमने देखा भी है कि हमारे आंखों सामने वो लेकर गए, गला दाब कर बैठा कर लेकर चले गए। उनको आप पहचान सकती हैं? नहीं, वो मास्क लगाए हुए हैं, उनको मैं पहचान सकती हूँ। 2 लोग थे वो। अच्छा, वो पता लग रहा है कि आपके पति जो हिंदू भवानी का एक संगठन चल रहा है इस समय योगी जी का, उससे कोई कार्यकर्ता भी थे? हाँ, कार्यकर्ता थे। तो जब वो कार्यकर्ता थे तो अपने संगठन के मित्र को नहीं बताया आपने? सबको बताया, तुरंत फोन किया मैंने चौकी तक। हाँ, तो वो क्या कहते हैं? वो सब अब कुछ बोल नहीं रहे हैं, कुछ हमारा सब नहीं समस्या नहीं ठीक कर रहे। गोंडा से केकेडी न्यूज संवाददाता प्रकाश शुक्ला की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा गजरौला नगर में 10 साल की मासूम बच्चे से जबरदस्ती भीख मंगवाती उसकी ताई। आपको बता दें कि मासूम ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि उसकी मां की मृत्यु के बाद वह अपने पिता जो कि अपाहिज हैं, उनका साथ छोड़ अपनी ताई के साथ रहने लगा था, जहां उसकी ताई उसे जबरन भीख मंगवाने का काम करवाती थी। क्या नाम है बेटे तेरा? कहाँ रहते हो? बिजनौर। यहाँ किसके पास रहते हो? पैसे मंगवाते हैं, भीख मंगवाते हैं आपसे? कौन मंगवाते हैं? क्या नाम है इनका? नाम क्या है इनका? बाबू। अच्छा, तो आज आप थाने आए? अच्छा, आप क्या चाहते हैं? आश्रम में रहना चाहते हैं? जो आपसे भीख मंगवाते हैं ये क्या काम करते हैं? चाय बेचते हैं। कहाँ पर? हाँ हाँ, कितने पैसे मांग लेते हैं आप भीख में? किसको देते हो पैसे? इनको देते हो? ये कौन लगती हैं आपकी? ताई। अच्छा, आज जो ये बच्चा चौकी आया, क्या है पूरा मामला? ये बच्चा रोता हुआ मिला था मुझे, ये हमारे मोहल्ले में रहता है, और क्या नाम है, रोता हुआ आ रहा था। मैंने सबूत, इसने कहा कि मेरी ताई ने मुझे खूब मारा, इसका हाथ टूटा हुआ था, डंडों से उसको मारा, बोला मुझे भीख मंगवा के सियाली जा रहा था ये लड़का। मैंने इसको रोका, मैंने कहा चल तो ये कोई बात नहीं, समझा के घर भेज दूंगा। तो अचानक जब मैं इसको घर लेकर जा रहा था, रास्ते में इसकी ताई मिली, एक व्यक्ति और थे अंदर, उन्होंने उसमें चांटे चांटे मारने चालू कर दिए। मैंने दीदी चाम मार कर मैंने चौकी में इसको हाजिर कर दिया। ये डेली आता, डेली हमारे मोहल्ले में आता है, करीब 9 बजे 10 बजे 1 बजे तक इसको आते हुए देखा है मोहल्ले के अंदर। अच्छा, ये बच्चा, इस बच्चे से भीख मंगवाते हैं? हाँ जी, भीख ही मांगता हुआ आता रोज। मैंने खुद, क्या नाम है इनका? इसकी ताई का तो नाम मुझे पता नहीं, पर इस लड़के का नाम कुणाल बताया इसने अपना। लड़के का नाम कुणाल है? नाम कुणाल है। अब बच्चा क्या चाहता है? बच्चा चाहता है कि मैं अपने घर नहीं जाना चाह रहा, मुझे मारते हैं, मेरी ताई मुझसे काम कराती है, मुझे खूब मारती है, और क्या नाम है, मैं अनाथ आश्रम में जाना चाहता हूँ, मुझे कहीं और नहीं, तो मैं अपने घर रहना नहीं चाहता ताई के द्वारा। इसकी माँ भी नहीं है, इसके बाप भी नहीं है। अमरोहा से केकेडी न्यूज संवाददाता रवि कुमार की रिपोर्ट।
जनपद अमरोहा के हसनपुर में कान्हा गौशाला के निर्माण की जांच की मांग की गई है। आपको बता दें कि हसनपुर में कान्हा गौशाला का निर्माण हो रहा है। वहां के पशु चिकित्सक के लोगों का कहना है कि गौशाला के निर्माण में घटिया सामग्री का प्रयोग किया जाता है, जिसमें पशु चिकित्सक ने डीएम को ज्ञापन सौंप कर जाँच कराने की मांग की है। जी आप गौशाला गए थे तो आपने क्या देखा वहाँ? मैंने इस गौशाला का निरीक्षण करा तो गौशाला में घटिया सामग्री का प्रयोग किया जा रहा था जी। मैंने इसकी एक शिकायत पहले भी दे चुका हूँ माननीय जिलाधिकारी महोदय जी को, उन्होंने एक लेटर मेरे पास भेज दिया था कि आप साथ रहकर 7 दिन के अंदर इसकी मुझे जाँच सौंपें, परंतु जिसे जाँच सौंपी थी जिस जई को, उस जई के पास आज तक जो प्रधानमंत्री योजना का जई है उसके पास आज तक भी इन्होंने लेटर नहीं भेजा। शासन ने जो उस लेटर को छुपा लिया है, कोई वहाँ पर पहुँचे नहीं अभी तक ना, कोई वो ना पहुँचे। मेरी मांग है कि इसकी जो टेक्निकल जांच की जाए जी, और जब तक टेक्निकल जांच ना हो तब तक ठेकेदार का पेमेंट नहीं निकाला जाए। तो ठेकेदार उसमें क्या कर रहे हैं? ठेकेदार लगातार घटिया सामग्री उसका निर्माण करा जा रहा है। आज मैंने फिर जो है समाधान दिवस है फिर प्रार्थना पत्र दिया और मैंने टेक्निकल जाँच की मांग करी है जी। आपने लेटर पैड कहाँ पर दिया है? समाधान दिवस में दिया सीपीओ साहब को। अमरोहा से केकेडी न्यूज संवाददाता रवि कुमार की रिपोर्ट। रतलाम जिले के तालनगर में प्राथमिक कृषि सहकारी संस्था भंडार ताल द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत खाद्यान्न वितरण कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसके अंतर्गत मुख्य अतिथि अमित काला, भाजपा मंडल अध्यक्ष विशाल काला, पूर्व संस्था अध्यक्ष दशरथ लाल राठौर के साथ कई लोग मौजूद रहे और साथ ही सेल्समैन कैलाश चंद्र राठौर की उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न किया गया। उसी आधार पे अभी 6 महीने के लिए फ्री राशन दिया है, ये उसी योजना के अंतर्गत कार्यक्रम रखा है। जय हिंद जय भारत। मध्य प्रदेश के रतलाम से केकेडी न्यूज संवाददाता मुजफ्फर अली की रिपोर्ट। इसी तरह की खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए खबरों की दुनिया, और खबरों की दुनिया को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।